मदनपुरा बाबा सरवर चौक में रईस शेख ने की फ्री पब्लिक लाइब्रेरी की ओपनिंग। स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री बुक हर एक फील्ड की, फ्री न्यूज़पेपर्स रीडिंग आल्सो अवेलेबल। बच्चों के साथ मिलकर की गई ओपनिंग। बाबा सरवर चौक में सभी जगह बलून्स लगाए गए थे। मदनपुरा का विकास और भी ज्यादा करेंगे रईस शेख। आने वाले बीएमसी इलेक्शन सीट कौन लेंगे, ये बेटन से इनकार किया रईस शेख ने। ये जो ऐसी जो लाइब्रेरियां वगैरह खुली है, तो इस तरीके से और कितनी लाइब्रेरी खुलेगी, और आगे चल के जो अभी बीएमसी का इलेक्शन होगा कॉर्पोरेटर में, तो आपको क्या लगता है यहाँ से कौन खड़ा हो सकता है? इलेक्शन तो बाद में देखेंगे, आज तालीम की बात करेंगे। लाइब्रेरी शुरुआत अभी, मैं रास्ते में ही आ रहा था तो कई लोग मुझसे मिले जो कह रहे हैं कि इस तरह की लाइब्रेरी वो खोलना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो चलो हमारी ऐसी जगह थी जहाँ इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन इसका परमानेंट एक स्ट्रक्चर या ऐसा कोई सहूलत कि जहाँ ये बड़ा काम हो सके, वो मैं इंशाल्लाह थोड़े दिन में कई बड़ी शक्ल में लाऊंगा। कल का जो अमरावती का जो इंसिडेंट था, अमरावती नांदेड़ का, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जो बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था पूरे महाराष्ट्र में, बीजेपी एक माहौल बनाना चाह रही है, सरकार का रास्ता जी दंगों के जरिए ढूंढना चाह रही है, लेकिन ये बीजेपी पूरे देश में जो है शिकस्त पाएगी। महाराष्ट्र में एक शहर में हुआ, लेकिन मेरी यशोधमिनी ठाकुर जी से भी बात हुई, वहाँ के लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इसे कंट्रोल में लाने के लिए, और कंट्रोल में इंशाल्लाह आएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन हम सबको भी हिम्मत से चलना होगा। आजाद इंडिया न्यूज से बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि इलाके के अंदर एक बहुत ही अहम काम होने जा रहा है, और जैसा आप देख रहे हैं कि बाबा सरवर ओपन लाइब्रेरी का इफ्तिता का वक्त आ चुका है और किताबें सज चुकी हैं। अजीजाने गिरामी, आज का ये इफ्तिताही जलसे का आगाज हो चुका है। हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मदनपुरा एक तारीखी इलाका है, यहाँ पर आज़ादी से कब बहुत सारे शोरा गुजरे हैं, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले बहुत सारे ऐसे फर्जंद यहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में और मुल्क की तरक्की में बड़े पैमाने पर काम किया है। आज जिस खास मकसद से यहाँ पर लोग हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, वो खास मकसद है किताबों की लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी जो मदनपुरा इलाके के हर फर्द की लाइब्रेरी होगी। इस खास किताब की लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर एक खास जगह का को चुना गया है। ये मदनपुरा का वो इलाका है जो चौराहा है, जिसे हम बाबा सरवर चौक के नाम से जानते हैं। इस चौक के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी का सुझाव हम लोगों ने दिया था, इलाके के लोगों ने दिया था, कि आज हम जानते हैं कि अगर दौड़ में आगे बढ़ना है, मुकाबले में आगे बढ़ना है, तो न सिर्फ ये कि हमको पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बल्कि एजुकेशनली भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। लिहाजा हमने कोशिश ये की कि इस ओपन लाइब्रेरी के अंदर खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए वो किताबें जो उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे आप देख रहे हैं इस लाइब्रेरी के अंदर आपको जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है नीट का, उसकी जो किताबें होती हैं, एमएससी सीईटी की जो किताबें होती हैं, जेईई मेंस एग्जाम की जो किताबें होती हैं, तकरीबन 1 से 1.5 हज़ार रुपए की एक किताब होती है, जिसको यहाँ पर रखा गया है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरी के तौर पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे स्टेट लेवल का एमपीएससी एग्जाम होता है, उसी तरह से सिविल सर्विसेज का जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, बीएमसी का रिक्रूटमेंट होता है, महाडा का रिक्रूटमेंट होता है,
पुलिस भर्ती जो होती है, ये सारे एग्जाम्स के लिए मुकाबला जाती इम्तिहान मुनद किए जाते हैं और उसकी तैयारी के लिए आमतौर पर हमारे बच्चों को किताबों का इलम नहीं होता, लिहाजा वो रेफरेंस बुक्स के तौर पर यहाँ पर किताबें रखी हुई है। उसी तरह से आपने खास नाम सुना होगा सिविल सर्विसेज का, और सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है वो आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद होती है, जबकि ये बात समझकर चले कि उसकी तैयारी स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाती है और उसका बेस होता है एनसीईआरटी की बुक्स। लिहाजा यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की किताबें भी रखी है जो खास तौर पे बेस बनेगी तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा हमने यहाँ पर उर्दू लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, डिक्शनरी और स्टेट बोर्ड की बहुत सारी किताबें यहाँ पर बच्चों के लिए खास तौर पर रखी है। साथ ही साथ यहाँ पे इंशाल्लाह रोजाना अखबार आएंगे हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें खास तौर पर जो खबरें तो आती ही हैं लेकिन जो न्यूज पेपर के अंदर जो इश्तेहार आते हैं गवर्नमेंट के बहुत सारी वैकेंसीज के आप देख सकते हैं रोजाना यहाँ पर इंशाल्लाह डेली यहाँ पर पेपर्स लगाए जाएंगे। तो ये पूरा नज्म इस तरह से किया गया है रेफरेंस लाइब्रेरी के तौर पर कि यहाँ पर बच्चे आए, बूढ़े आए, बड़े आए, बदनपुरा इलाके के, मोमिनपुरा इलाके के, नागपाड़ा इलाके के जो भी बच्चे या बूढ़े जिनको भी वक्त है और किताबों का मुताला करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह फुल टाइम हमारे पास दो तीन वॉलेंटियर्स हैं जिसमें साबिर भाई है खासतौर पर, वो इंशाल्लाह लाइब्रेरी को पूरा संभालने का ये काम संभालेंगे पूरा। तो खासतौर पर कुछ टाइम हम लोग यहाँ पर तय करेंगे कि बच्चे यहाँ पर आए, किताबें लें, पढ़ें और इंशाल्लाह अगर इसी तरह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो रईस सर सब दरखास्त करेंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स और रखें और बच्चों को घर पर ले जाने की भी उसकी इजाजत मिले। उसी तरह से जी जी सर ने अभी इजाजत दे दी है, इन थोड़े से सर हमको सेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंशाल्लाह वो सेट्स हम लोग बढ़ा लेंगे। इसमें खास तौर पर जी जी इंशाल्लाह चार सेट्स रखे जाएंगे तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। और एक खास बात, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर रखेंगे जिसमें पूरे के पूरे वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट की वो उसमें शायद होती, जो ऑथेंटिक न्यूज होता है वो हमको यहाँ पर मिलेगा। तो हम सभी लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि ये लाइब्रेरी ओपन लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी मदनपुरा के इलाके के हर फर्द की लाइब्रेरी है, यहाँ पर किसी की भी इजारादारी नहीं होगी। इंशाल्लाह यहाँ पर जो भी शख्स, जो भी बच्चा यहाँ आकर पढ़ना चाहता है, इंशाल्लाह ट्यूबलाइट का, पंखे का नज्म अभी तो टेम्पररी किया गया है लेकिन बाकायदा इलेक्ट्रिक मीटर के जरिए वो भी नज्म किया जाएगा ताकि जो है इत्मीनान से बच्चे पढ़ भी सके और रेफरेंस के लिए अगर बुक्स लेकर जाना है और ठीक है। और आठवीं से बारहवीं की भी स्टेट बुक की किताबें यहाँ रखी हुई है, तो बच्चों को किसी तरह का कोई जेरोक्स निकालना हो या कुछ भी चीजें इसकी जरूरत हो तो यहाँ से ले सकते हैं। हम आखिर में रईस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सर यहाँ पे रहेंगे काउंसलिंग के लिए। जी जी हम लोग भी इंशाल्लाह यहाँ पर काउंसलिंग के लिए भी रहेंगे खास तौर पे, और सईद भाई और दो तीन हमारा ग्रुप है जो खास तौर पे एम्प्लॉयमेंट पर भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जॉब और वैकेंसीज पर भी हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ काम करेंगे। मैं रईस भाई और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खासतौर पर ये पूरा नज्म उन्होंने किया, और मैं माइक अभी हवाले करूंगा रईस भाई के। जी जी से दरखास्त है कि इस मौके पर अपने लायरान का इजाज करें। नागपाड़ा की आवाम, सबसे पहले तो मैं आमिर सर का, रशीद सर का, सईद भाई का, सीधा आ गए जो इनका शुक्रिया अदा करूंगा। मुन्ना भाई मेरे साथ ये प्रोजेक्ट आप शुरू किए थे, उसके बाद हम लोगों ने टेक ओवर किया, बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन छोटी सी जगह का किया है। एक छोटी सी जगह जहाँ पे गंदगी रहती थी उसको कैसे तब्दील करने के हम लोग तालीम के लिए इसको जरिया बना सकते हैं, उसका एकदम बड़ा एग्जांपल है। और आमिर भाई आप चार सेट कहेंगे, छह सेट कहेंगे, दस सेट कहेंगे, हमारे बच्चों को जितनी किताबें लगेगी इंशाल्लाह ताला हम हमारी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। बस खाली आप कमिटमेंट दो और यहाँ फिक्स बैठो। और दूसरा, जैसे आमिर भाई ने कहा कि ये हम सबकी लाइब्रेरी है, बच्चों को यहाँ बैठने की जगह मिले, उनकी काउंसिलिंग हो, उनको सेट मिले, मैं सब शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ बैठने वाले। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग एक परमानेंट काउंसिलिंग सेंटर आनूंगा आपके साथ मिलकर, इंशाल्लाह यहाँ किसी भी हाल में बनेगा, ताकि ये आज एक रास्ता दिखाए लोगों को, एक जरूरत बताइए जो हमारे लोगों की है। और
बहुत सारे लोग अभी रास्ते में मुझे बोल रहे थे कि हमको लाइब्रेरी बनाना है। करेंगे, किसी के जहन में नहीं आया था कि इतना अच्छा काम हो सकता है। मैं आप सबके ताऊ का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से तामीरी काम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, लेकिन तालीम के लिए जो हम कर पा रहे हैं, अगर हम तालीम के लिए कुछ भी कर पाए वो अल्लाह की नज़र में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खिदमत है। उमर अजब एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरह से म्यूनसिपल स्कूल को तब्दील किया जाएगा जा सकता है। अब आमिर भाई से मेरी कई स्कूलों के बारे में बात हुई है, एक अच्छी टीम बनी है, इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा निज़ाम बने कि पढ़ाई से कोई महरूम न रहे, माशी हालत की वजह से पढ़ाई से कोई दूर न रहे, कोई शख्स मोहल्ले में ऐसा नहीं रहे जो तालीम से दूर रहे। यही मेरी उम्मीद है। और अभी नमाज का ही वक्त हो रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ बोल नहीं सकते, मुशी भाई थोड़ा बोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत सजा करें। मैं कुछ कहूँगा कि जो तोहफा मेरे भाई ने हमको दिया है, जब आगे आगे देखिए, एक साथ 1 2 3 कुछ लोग जो है भेज भाई इस खूबसूरत मौके पर आप अच्छा आप क्या इस्तकबाल करना चाहते हैं, खैर मकदम करना चाहते हैं, तो जूनी मस्जिद के जिम्मेदारान जो वो यहाँ तस्वीर रखते हैं वो रईस भाई को बुलाया कदम पेश करना चाहते हैं। मैं खालिद भाई और सब लोगों पर जूनी मस्जिद उनसे गुजारिश करता हूँ।